राहुल गांधी जी, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? स्पीकर सर, इट्स ऑब्वियस टू द होल कंट्री, इट्स ऑब्वियस टू द होल कंट्री दैट देर इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन आर एग्जामिनेशन सिस्टम. दिस इज नॉट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ नीट, इट इज इन ऑल द मेजर एग्जामिनेशन. नाउ द मिनिस्टर has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. Aap prashn kya hai aapka? Aa raha hu sir. Sir, ye main question ko set up kar raha hu. Ye prashn kaale se prashn poochta hu. Ye the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's okay. The first question. Okay. Question mein chal raha hai. Please. Ab main mantri ji main ek baar bol dun is baat pe. Chalo mantri ji aap short mein jawab do, fir main bol hi deta hu aaj. Aap short mein jawab dena. Adhyaksh mohoday, मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है. मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए. देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है. मैं उनके निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को. बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा. साहब ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश के नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर. मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूँ. बाकी रहा मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूँ सर. जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए, उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे. उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसके उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना. सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए. क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की, उन्होंने उस बिल को उठा किया, किसके दबाव में उठा किए, क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी उनकी घुसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उठा किया था. सच सुनने की सामने ही है ये. मैं किसी की विद्वत्ता में प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उठा किया, ये हमको प्रश्न पूछते हैं. एक मिनट प्लीज. मैं सबको मौका दिया, सबको मौका दूंगा. एक मिनट माननीय सदस्य, प्लीज एक मिनट बैठिए. नो प्लीज बैठिए. हाँ पहली बार. हाँ एक मिनट. कल्याण जी कल्याण जी प्लीज, कल्याण प्लीज एक मिनट, प्लीज एक मिनट एक
एक मिनट सबको मौका दूंगा, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, विषय महत्वपूर्ण था, मैंने सबको अलाउ किया, लेकिन एक बार इस सदन के अंदर ये सार्थक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न ये था कि परीक्षाओं के विषय के अंदर, और आप सबको पता है देश में अलग अलग राज्यों के अंदर भी अलग अलग दलों की सरकार रही, और उन अलग दलों की सरकार में आपकी भी सरकार रही, अन्य दलों की सरकार रही, वहाँ भी कई बार प्रश्न लीक हुए, प्रश्न पत्र लीक हुए और परीक्षाओं पर प्रश्न उठे। मेरे सवाल, एक मिनट मैं बता रहा हूँ जिसको, आप पूरी बात सुनिए मेरी। मेरा कहना ये है कि हम और उन राज, एक मिनट प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, एक मिनट नीट नहीं सारी। हमारा सवाल ये है कि हम यहाँ इसलिए चिंता के लिए बैठे हैं कि भविष्य में हमारे विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई विषय न उठे, इसलिए किस तरीके का मैकेनिज्म डेवलप करें, परीक्षाओं का क्या बेहतर सिस्टम डेवलप करें, इसमें सबके सुझाव आए ताकि भविष्य के अंदर, और उसके लिए जो उत्तम सुझाव हो सकते हैं सरकार भी उस उत्तम सुझावों को मानेगी। एक मिनट, लेकिन हम अगर सारे परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो कई राज्यों में कई दलों की सरकार है जो परीक्षाएं आयोजित करती रहती है, हम सारी परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उनके भविष्य पर और भारत की परीक्षाओं पर, भारत की शिक्षण व्यवस्थाओं पर, पूरे विश्व में एक बहुत गंभीर असर पड़ेगा, जो सदन की चिंता का विषय है। और इसके लिए सभी राज्यों ने अपने अपने यहाँ कानून बनाए, संसद ने भी कानून बनाए, कानून बनाने के अलावा इस विषय के अंदर एजेंसी जांच कर रही है, कोर्ट निगरानी कर रही है। हमारा सवाल ये होना चाहिए कि हम कैसे सकारात्मक रूप से सुझाव देकर इस सिस्टम को और बेहतर कर सकते हैं, ये होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से सदन नहीं है, आप बेहतर सिस्टम डेवलप करो, और कभी भी सारे एग्जामिनरों पर सवाल उठाना सदन के लिए उचित नहीं है। ये सदन इसके लिए है भी नहीं प्लेटफॉर्म। नो क्वेश्चन नंबर 3, श्री डी प्रसाद राव, प्रश्नकाल में सबको सवाल उठाने दिया, और एक बार सवाल उठाने के बाद दोबारा नहीं उठाने दिया जाता। संसद नियम प्रक्रियाओं से चलती है और नियम प्रक्रियाओं से मैंने चलाया। श्री डी प्रसाद राव, प्रश्न नंबर 3। मैंने सदन की चिंता सरकार को भी बता दी है और आप सबको बता दी। ऑनरेबल स्पीकर, थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग मी टू स्पीक दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई एम प्रसाद राव फ्रॉम चित्तूर कॉन्स्टिट्यूएंसी, आंध्र प्रदेश।